आरजेडी चीफ लालू यादव ने की कैसी भविष्यवाणी, बीजेपी वालों सुन लो लालू यादव की ललकार। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करेंगे। आरजेडी चीफ लालू यादव ने 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने अपने एक बयान में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टियां एक साथ आ गई हैं और बीजेपी का सफाया तय है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में मिलने जा रहा है, जहाँ हम आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। आपको बता दें कि लालू यादव ने अपना ये बयान बिहार में मंत्री और अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने एक नए संगठन का गठन किया है, जिसका नाम रखा गया है छात्र राजद भारत या स्टूडेंट आरजेडी इंडिया। इस संगठन में उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी जगह दी है। इसी कार्यक्रम में पहुंचे लालू यादव ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का अब सफाया तय है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करेंगे। लालू यादव की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष अपनी ओर से पूरा जोर लगाता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों देश के 26 विपक्षी दल हाथ मिला चुके हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका नाम रखा गया है इंडिया। लेकिन यहाँ इंडिया माने भारत से नहीं है, बल्कि इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने जानबूझकर अपने गठबंधन का ऐसा नाम रखा है ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुकाबले को जनता के बीच एनडीए वर्सेस इंडिया के अंदाज में प्रचलित किया जा सके। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि देश में इंडिया नाम के बूते एनडीए विरोधी हवा पैदा की जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।